गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर आप सभी क्लास 4 के छात्रों को पढ़ाने वाला हूँ एनिमल किंगडम। तो आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा एनिमल किंगडम। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं द ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स स्पाइडर क्रैब्स देयर कजिन्स के बारे में। आप लोगों के स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग इसी को शुरू कर लेते हैं। टॉपिक है, लिखा हुआ है, इंसेक्ट्स स्पाइडर क्रैब्स एंड मिलीपेड्स आर सिमिलर इन सम वेज। इंसेक्ट्स स्पाइडर क्रैब्स मिलीपेड्स ये सब जो होते हैं देखने में समरूप होते हैं। सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब होता है समरूप होना। सिमिलर का मतलब क्या होता है? समरूप होना। तो ये सब जो जीव जंतु होते हैं ये देखने में बहुत हद तक सिमिलर होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, अलाइक होते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे कि दे ऑल हैव मेनी पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स एंड अ हार्ड सेल लाइक स्किन। इन सबों के पास होता क्या है कि बहुत सारे पेयर्स में पैर होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे पैर होते हैं। यहाँ भी आप इमेज में देख सकते हैं, है ना। इन लोगों के पास क्या होता है? बहुत सारा पैर होता है ना। वो भी पेयर में होता है। वो भी कैसा होता है? तो पेयर में होता है। और साथ में होता क्या है कि इनका जो स्किन होता है वो बहुत जो होता है हार्ड सेल लाइक होता है ना, हार्ड होता है। लिखा हुआ इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। जनरली इंसेक्ट्स के पास 3 जोड़े पैर होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। अ स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन हैव 4 पेयर्स ऑफ लेग। स्पाइडर के पास और स्कॉर्पियन के पास कितने पेयर लेग्स होते हैं? तो 4 पेयर लेग्स होते हैं, 4 जोड़े पैर होते हैं। क्रैब्स लबस्टर्स प्रॉन्स श्रिम्प्स हैव 5 और मोर पेयर्स ऑफ लेग्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रैब लबस्टर प्रॉन्स श्रिम्प ये सब के पास 5 या 5 से ज़्यादा पेयर में पैर होते हैं। मिलीपेड्स एंड सेंटीपेड्स हैव मेनी पेयर्स ऑफ लेग। मिलीपेड्स और सेंटीपेड्स, है ना, ये जो आप देख रहे हैं मिलीपेड्स और सेंटीपेड्स, इसके पास बहुत सारे पेयर में पैर होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर जो होता है इनका बहुत काफ़ी होता है, है ना। आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिलीपेड दिखाई दे रहा है। आप लोगों के स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ये है मिलीपेड और ये है आपका सेंटीपेड। इनके पास बहुत पैर में क्या होता है? पैर होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में पैर होता है इनके पास। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप आर नॉट सिमिलर इन एवरी वे। इस ग्रुप के जो एनिमल होते हैं आपके, वो देखने में सब एक जैसा नहीं होते हैं। लॉबस्टर प्रॉन्स श्रिम्प आर एक्वेटिक। ये जो लॉबस्टर हैं, प्रॉन्स हैं, श्रिम्प्स हैं, ये कैसे होते हैं? तो ये एक्वेटिक होते हैं। एंड सो आर मोस्ट क्रैब्स। एंड ज़्यादातर क्या होते हैं? क्रैब्स के कैटेगरी में आते हैं। स्कॉर्पियन सेंटीपेड्स मिलीपेड्स ऑन द अदर हैंड आर टेरेस्ट्रियल। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेंटीपेड्स स्कॉर्पियन मिलीपेड्स ये सब कैसे होते हैं? तो टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब ये रहते कहाँ हैं? तो भूमि पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। स्कॉर्पियन एंड सेंटीपेड्स आर हंटर्स। स्कॉर्पियन और सेंटीपेड्स जो होते हैं ये हंटर्स होते हैं, शिकारी होते हैं। वाइल मिलीपेड्स ईट प्लांट्स। जबकि मिलीपेड्स क्या खाता है? तो आपका प्लांट्स को ये अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। आप लोगों के स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। लिखा हुआ है यहाँ पे कि मोस्ट इंसेक्ट्स कैन फ्लाई। ज़्यादातर जो कीड़े होते हैं वो उड़ सकते हैं। ज़्यादातर जो कीड़े होते हैं वो क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं हवा में। While the other animals of this group cannot, जबकि और भी इस ग्रुप में जो होते हैं वो उड़ नहीं सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं छोटी छोटी चीज़ों को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग देखें इसको। आगे देखिए लिखा हुआ है कि मोस्ट इंसेक्ट्स डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स वेन दे हैच। ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं जब वो जन्म लेते हैं तब, जब हैचिंग प्रोसेस होता है तब, वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? तो वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट दिखाई देते हैं, मतलब पेरेंट्स जैसे दिखाई नहीं देते हैं। द बेबीज ऑफ मॉस्किटोज फ्लाइज बटरफ्लाइज मॉथ्स बीज एंड मेनी अदर इंसेक्ट्स लुक लाइक बॉम्ब्स एंड आर कॉल्ड लार्वा, है ना। ये जो होते हैं, जैसे मैं आपका हो गया मॉस्किटो, है ना, जैसे मैं फ्लाई बटरफ्लाई मॉथ बीज और भी बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये सामान्य तौर पर होते कैसे हैं? तो ये बॉम्ब्स के जैसे दिखाई देते हैं और इनको कहा क्या जाता है? तो लार्वा कहा जाता है। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, तो आप लोग को यहां तक दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं।
लिखा हुआ है कि द लार्वा ऑफ बटरफ्लाइज एंड मॉथ आर कॉल्ड कैटरपिलर। लार्वा जो होता है बटरफ्लाई का और मॉथ का, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कैटरपिलर कहा जाता है। इन सभी बातों पे आप लोग ध्यान रखेंगे। लार्वा ईट एंड ग्रो फॉर सम टाइम। लार्वा भोजन करता है और कुछ ही समय के बाद वो ग्रो करना शुरू कर देता है। देन दे कवर देमसेल्व्स विद अ केस। और उसके बाद क्या करता है कि अपने बॉडी को एक केस से, जिसको आप सेल भी कह सकते हैं, उससे अपने बॉडी को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। एट दिस स्टेज दे आर कॉल्ड प्यूपा। और इस स्टेज पे उसको क्या कहा जाता है, तो उसको प्यूपा कहा जाता है। इनसाइड द केस दे चेंज फॉर्म टू लुक लाइक देयर पेरेंट्स। और केस के अंदर अब वो अपने बॉडी में बदलाव लाता है ताकि वो कैसा दिखाई दे, तो अपने पेरेंट्स के तरीके से दिखाई दे। फाइनली द एडल्ट इंसेक्ट्स ब्रेक द केस एंड कम आउट। और फाइनली होता क्या है कि आपका ये जो एडल्ट इंसेक्ट होता है, ये फिर आपका उसको तोड़ के, केस को तोड़ के ये बाहर आ जाता है और दिखता है कैसा, तो अपने पेरेंट्स के जैसा ये दिखाई देता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश करूँगा छोटी छोटी चीज़ों को बताने का, आप लोग समझने के लिए अच्छे तरीके से देखते रहें। चलिए आगे लिखा हुआ है कि क्रैब्स, प्रॉन्स, लॉबस्टर आर सम अदर एनिमल दैट गो थ्रू चेंजेस इन फॉर्म वाइल्ड ग्रोइंग। जैसे में क्रैब है, प्रॉन्स है, लॉबस्टर है, ये ऐसे एनिमल होते हैं कि जो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ये अपने आप में बदलाव करते हैं, चेंजेस लाते हैं। अ स्पाइडर और स्कॉर्पियन लुक लाइक देयर पेरेंट्स वेन दे हैच। अ स्पाइडर और स्कॉर्पियन जो होता है, जब जन्म लेता है, हैचिंग प्रोसेस होता है, तभी वो अपने पेरेंट्स के तरीके से दिखाई देने लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। देख सकते हैं आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है कि कॉकरोचेज ग्रास हॉपर्स आर अ फ्यू इंसेक्ट्स दैट डू नॉट गो थ्रू ग्रेट चेंजेस इन फॉर्म वाइल ग्रोइंग। आप जैसे में आप जानते होंगे कॉकरोचेज को, नॉर्मली आप लोग अपने घर में देखे होंगे कॉकरोचेज। आप लोग ग्रास हॉपर्स भी देखे होंगे, है ना, आप लोग ग्रास हॉपर्स भी देखे होंगे। क्या होता है कि जब ये बड़े होते हैं तब इनके शरीर के अंगों में या शरीर के बनावट में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। होता है बदलाव, लेकिन इतना भी बदलाव नहीं होता है, कम बदलाव होता है। लिखा हुआ द बेबीज कॉल्ड निम्स। इनके बच्चे को निम्स कहा जाता है। लुक लाइक अ स्मॉल विंगलेस एडल्ट, है ना, ये देखने में कैसे लगते हैं, तो ये विंगलेस एडल्ट के जैसे लगते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में, है ना, इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को निम्फ कहा जाता है। आप लोग अपने स्क्रीन पे देखें, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, मैं मिटाते भी चलूंगा ताकि मुझे पढ़ाना है, है ना। चलिए लिखा हुआ है कि विंग्स ग्रो व्हेन द बेबी बिकम्स बिगर। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे बच्चे क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये बेबीज जो होते हैं इनके पास विंग्स अपने आप आ जाता है, है ना, ये नेचुरल प्रोसेस है, मतलब इसको नहीं करवाना पड़ता है। चलिए आगे देखिए, लिखा हुआ है द ग्रो ऑफ स्नेल्स स्लज एंड स्क्विड्स। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा कि एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप हैव ए सॉफ्ट बॉडी। इस ग्रुप के पास, स्नेल, स्लज और स्क्विड वाले ग्रुप्स के पास कैसा बॉडी पाया जाता है, तो सॉफ्ट बॉडी पाया जाता है। सम ऑफ देम हैव ए हार्ड सेल दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी। और किन्हीं के पास हार्ड सेल भी होता है जो कि बॉडी को क्या करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। द सेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। सेल जो होता है बना हुआ किसका होता है, तो याद रखिएगा सेल बना हुआ होता है कैल्शियम का। द मटेरियल आवर बोन एंड टीथ आर मेड ऑफ। ये वही मटेरियल है जिससे कि हमारा बोन्स और हमारा टीथ इसी से बना हुआ होता है, जिसको कैल्शियम कहते हैं। गार्डन स्नेल्स, पॉन्ड स्नेल्स, स्लज और ऑल द सी क्रिएचर्स विथ ब्यूटीफुल सेल्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप। गार्डन में जो आप स्नेल देखते हैं वो, है ना, साथ में आप लोग जो सी में स्नेल देखते हैं, जो पॉन्ड में स्नेल देखते हैं, जो और भी बहुत सारा सी क्रिएचर्स जो होता है जो इस सेल से बना हुआ होता है, वो सारे के सारे इसी ग्रुप में आते हैं। कौन से ग्रुप में, तो स्नेल, स्लज और स्क्विड वाले ग्रुप में आते हैं। सो डू ऑक्टोपसेज एंड स्क्विड थाउ देयर सेल्स आर हिडन इनसाइड द बॉडी। ये जो ऑक्टोपस आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके सेल जो होते हैं इसके बॉडी के अंदर छिपे हुए होते हैं। दीज स्ट्रेंज क्रिएचर्स हैव लॉन्ग आर्म्स और टेंटल्स। ये जो आर्म्स आपको दिखाई दे रहा है, इन आर्म्स को कहा जाता है टेंटल्स कहा जाता है। आप लोगों के स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, मैं मिटा देता हूँ पहले, उसके बाद मैं दिखाता हूँ, बुक भी इसको लिखता है। चलिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो लॉन्ग आर्म्स आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या कहा जाता है, तो टेंटल्स कहा जाता है, है ना, और सेल जो होते हैं इसके अंदर छिपे हुए होते हैं। चलिए आगे देखिए, आप लोग लिखा हुआ कि विथ विच दे कैच देयर प्रियो। और इसी लॉन्ग आर्म के हेल्प से ये अपने प्रियो को, शिकार को पकड़ लेते हैं।
दे आर स्क्विट एंड इंकी लिक्विड टू रन अवे फ्रॉम देयर इनमीज. जब कभी इसको कोई इनमीज पकड़ लेता है तो ये अपने स्किन से अब एक इंकी लिक्विड निकालता है. ये अपने स्किन से क्या निकालता है कि इंकी लिक्विड निकालता है और इस लिक्विड की मदद से ये एनिमीज से अपना पीछा छुड़वा लेता है. ऑल एनिमल टू ग्रुप दिस लेग. ऑल एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप ले एग्स. इस ग्रुप के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या देते हैं, तो वो अंडे देने का काम करते हैं. मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी. मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने का. आप बच्चे भी इसको अच्छे से देखें, समझें. चलिए आगे और चलते हैं हम लोग. तो आप लोग इसको देखें, है ना. अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, है ना. तो आज आप लोग इतनी की तैयारी करें और तैयारी करने के बाद आप लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे. और उसके बाद आप लोगों को 22/6 को एक टेस्ट आयोजित किया जाएगा. उस टेस्ट में मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन लिख के दूंगा और आपको क्या करना होगा कि आपको जवाब देना होगा, उसका आंसर लिख के आपको भेजने होंगे, है ना. तो आप लोग क्या करें कि इसके लिए तैयारी अच्छे से कर लें. अगले वीडियो में हम लोग फिर जल्दी मिलेंगे. तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें. धन्यवाद.